और लेबर डे को हमने चुनने का काम किया मजदूर दिवस है, भाइयों को हम सम्मान देने का काम करेंगे और उनको सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं। जिस तरीके से हमारे जो नौजवान हैं बिहार छोड़ करके बाहर जाकर पलायन कर रहे हैं, तो हम उनके लिए आवाज़ को उठाने का काम करेंगे और जनता सरकार से हम मांग करेंगे कि उनको इनका न्याय होना चाहिए। नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं नीतीश कुमार से, आपके इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, ये तो लगातार हम लोगों ने इनवाइट किया एक दूसरे को, उन्होंने भी इनवाइट किया, हमने भी उनको इनवाइट किया, तो दो तीन बार ऐसा दफा हो गया कि हम लोग आमने सामने हुए, मिले जुले उनसे, तो लोगों ने इसको दूसरा आकलन निकालने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। तेज प्रताप यादव 1 मई से जनशक्ति यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खुद तेज प्रताप यादव जी हैं। जनशक्ति यात्रा निकाल रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, जनशक्ति यात्रा जो है हमारा शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के हमने जनशक्ति यात्रा को निकालने का काम किया है और लेबर डे को हमने चुनने का काम किया, मजदूर दिवस है, भाइयों को हम सम्मान देने का काम करेंगे और उनको सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इसलिए हमने कल के दिन को चुनने का काम किया है। और कल का दिन बहुत शुभ दिन है क्योंकि मजदूर भाइयों का दिन है, तो इसलिए हम जनशक्ति यात्रा पूरे बिहार में कल से हमारा बिगुल फुकाएगा और शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, जिस तरीके से हमारे जो नौजवान हैं बिहार छोड़ करके बाहर जाकर पलायन कर रहे हैं, तो हम उनके लिए आवाज़ को उठाने का काम करेंगे और जनता सरकार से हम मांग करेंगे कि उनको इनका न्याय होना चाहिए। एक सवाल है कि बीते दिनों देखा गया कि इफ्तार के दौरान आप कान में सीएम नीतीश कुमार से बातचीत कर रहे थे, क्या बातचीत कर रहे थे? अब कान में अब तो जो घरेलू बातचीत हुआ उनसे, अपना स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने पूछा, पिताजी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा, तो हमने बताया स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे थे वो पिताजी का, कैसे हैं, कैसा हालत है, हमने बताया कि हालत थोड़ा सा गंभीर है, तबीयत खराब है उनका। नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं नीतीश कुमार से, आपके इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, ये तो लगातार हम लोगों ने इनवाइट किया एक दूसरे को, उन्होंने भी इनवाइट किया, हमने भी उनको इनवाइट किया, तो दो तीन बार ऐसा दफा हो गया कि हम लोग आमने सामने हुए, मिले जुले उनसे, तो लोगों ने इसको दूसरा आकलन निकालने का काम किया। अब सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये तो जनता के हाथ में, कि सरकार बनाएगी बिगाड़ेगी ये तो जनता तय करती, क्योंकि जनता भी हमको अधिकृत की गई है बोलने के लिए, केवल उनके दया से हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो ये तो पिताजी और नीतीश कुमार जी अपना तय करेंगे कि क्या करना है नहीं करना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पिताजी हैं, उनका जो आदेश होगा वो चीज़ माना जाएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि बीजेपी और जेडीयू के जो रिश्ते हैं मौजूदा वक्त, जेडीयू और बीजेपी के जो रिश्ते हैं फिलहाल जो है कि खराब चल रही है, खिटपिट चल रही है, क्योंकि इफ्तार में भी हमने देखा कि नीतीश कुमार जी से उनकी दूरी थी बनी हुई, वो अलग सीट पे नंद किशोर जी बैठे हुए थे और वो अलग सीट पे बैठे हुए थे, तो दूरी तो थी, दूरी तो काफ़ी दूरी थी, नज़दीक कौन थे, हम दोनों भाई थे। स्कोप है सीएम बनने का तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो बनेंगे मुख्यमंत्री। चलिए, ये थे तेज प्रताप यादव जो साफ तौर पे जनशक्ति यात्रा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जो हैं वो बन चुके हैं। फिलहाल अब तक इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।